हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मैजिशियन गेमर। तो गाइस, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे सब टाइटल हासिल कर सकते हैं। मतलब बहुत आप लोगों ने बहुत सारे टाइटल दिखे होंगे कि क्लोज इनकाउंटर, हिट्स अप, बहुत सारे होते हैं ऐसे दिखाते हैं। तो वो सब टाइटल हासिल करना भी एक ट्रिक है, ठीक है। आप लोग सभी लोग आप हासिल कर सकते हो आसानी से, ठीक है। आपको सिर्फ थोड़ा खेलना होगा। तो कुछ बहुत अच्छे टिप्स हैं एंड ट्रिक्स हैं जो मैं दिखाऊंगा कि कैसे वो करेंगे आगे। अगर आप लोगों ने एशिया पर ट्राई किया तो आप लोग नहीं कर सकते, बहुत खेलना पड़ेगा उसके लिए, बहुत मैचेस खेलना पड़ेगा, बहुत किल करना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड तक देखोगे वीडियो को तो समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बहुत ही इजी तरीके से जो टाइटल मैं दिखाऊंगा, अभी दिखा रहा हूँ, इंफॉर्मेशन में जो होता है, बहुत टाइटल होता है यहाँ पर। हिट्स अप, सोलो विंस, स्क्वाड विंस, डुओ विंस मेरे पास भी है, क्लोज इनकाउंटर, बर्ड सर्कल, वेल लाइट वो तो अलग है, गनस्लिंगर, ग्रेनेडियर, लॉन्ग शॉट, बर्ड सर्कल, ये सब मैं यूज़ कर सकता हूँ, कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। तो एक कैसे, मतलब कैसे इसको अचीव करना है तो मैं इस वीडियो में यही दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो गाइस देखिए, अब मेरे पास बहुत टाइटल्स हैं, मैं कोई भी यूज़ कर सकता हूँ आसानी से। तो आप लोग गौर कीजिए, मेरा जो फ्लैग है ना वो अलग है, इंडिया नहीं है वो, तो वो जॉर्जिया का कोई अलग देश है या फिर स्टेट होगा शायद, पता नहीं। मैंने वहाँ पर देखा कि रेजियन में मेरा रैंक वहाँ पर आ रहा था, तो मैंने इक्विप किया, मेरा फ्लैग चेंज किया वहाँ से, इंडिया से फ्लैग चेंज करके जॉर्जिया किया। वो करने के बाद मेरा एक वीक बाद मेरा रेजियन में आ गया, मुझे टाइटल मिल गए, 6 टाइटल मिले थे मुझे। देखिए मेरा अभी एशिया का जॉर्जिया है, ठीक है। मेरा रैंक सोलो तो मैं नहीं खेलता तो पता नहीं। देखिए बहुत सारे यहाँ पर टाइटल्स हैं। क्लोज इनकाउंटर में मैं हूँ 50 रैंक में। तो आप लोगों को अपना जो रैंक और सही रखना पड़ेगा, किल करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा बहुत, तो फिर रैंक बढ़ेगा। 1-3 में तो बहुत है, तो क्लोज रेंज किल्स मेरा 600 है। थोड़ा इंडिया में तो नहीं होगा, इंडिया में बहुत प्लेयर है, बहुत एशिया के इंडिया में। तो वो करने के लिए बहुत आप लोगों को बहुत सारा मैच खेलना पड़ेगा, बहुत मतलब 600-700-800 एक एक बंदे के बहुत मैचेस होते हैं। ये देखो 682 किल्स, 4218 KD रेशो 7। इस बंदे ने बहुत मैचेस खेले हैं। तो आप लोग एशिया से वो चेंज कर दीजिए। मैं एक बहुत ही बड़ा ट्रिक बताऊंगा यहाँ पर, आप लोग देखेंगे एशिया वहाँ पर सर्वर भी है। मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा गलती किया था पहली बार, ठीक है। तो बता रहा हूँ, गलती बता रहा हूँ, बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे सर्वर्स होंगे, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशियानिया। तो एक कोई बात नहीं है कि अफ्रीका में अगर करोगे, कोई जगह सिलेक्ट करोगे तो आपका नहीं आएगा क्योंकि आप एशिया में खेलते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं यही गलती दोहरा था, मतलब मैंने एशिया में जॉर्जिया में किया था। अगर मैं अफ्रीका में कोई भी ढूंढता तो मेरा रैंक ज़्यादा आता। और आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, आपका रैंक नहीं दिखाएगा, ठीक है। आपको क्लोज रेंज स्किल 600 मेरा है, तो आप लोग चेक करना पड़ेगा आप लोगों को कि आपका पोजीशन कहाँ पर आएगा 600 के। ये देखो यहाँ पर मेरा रैंक नहीं आएगा इस वाले में। तो ऐसे करके आपको थोड़ा टाइम लगेगा, चेक करना पड़ेगा, बहुत सारे ढूंढते रहना आप लोग, क्योंकि ये देखिए इसमें जैसे मेरा रैंक आएगा 18 शायद, इसमें ज़्यादा होगा। तो एक है अफ्रीका का तांजानिया,
उसमें मेरा रैंक था 10 या फिर ऐसा ही कुछ। तो सब चेक करना, जिसमें आप अच्छे हो सिर्फ उसमें ही नहीं होगा, बहुत ग्रेनेडियर। अगर सोलो में आप अच्छे हो सोलो में चेक करना, टाइटल मिल जाएगा। मैंने बहुत लोगों का देखा है कि कोई भी टाइटल नहीं है उनके पास, डेड आई वेल लाइक कोई भी नहीं है। वेल लाइक तो बहुत ही आसान है, वो तो ऐसे ही मिल जाता है लाइक करके करके, लेकिन वेपन मास्टर एंड डेड आई तो अचीव करना पड़ता है, एंड पैसिफिस्ट भी अचीव करना पड़ता है। मैंने डेड आई का तो वीडियो बना दिया, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। लेकिन वेपन मास्टर का वीडियो के लिए थोड़ा वेट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसके लिए फुल डिटेल्स में, तो थोड़ा वेट करो। वेपन मास्टर अभी मुश्किल नहीं है, बॉट पता है कि बॉट अभी प्रो हो गए हैं, बॉट भी प्रो हो गए हैं, इंटेलिजेंट हो गए हैं, घर में घुस जाते हैं, मारते हैं, ऑटो फायर भी करते हैं। तो आप लोग अभी भी आसान है, मैं 3 वेज बताऊंगा इजी वेज टू अचीव वेपन मास्टर, तो थोड़ा वेट कीजिए। और एक बात, इस जब आप लोग चूज़ करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना कि बहुत ढूंढने के बाद ही फिर फ्लैग चेंज करना, क्योंकि फ्लैग एक बार चेंज कर दिया आप लोगों ने इंडिया से, तो फिर 60 डेज आपको वेट करना पड़ेगा, फिर जाके आपका फ्लैग फिर से आप रिन्यू कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपका यहाँ पर जो भी रैंक आएगा वो तभी मतलब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये होता है कि यहाँ पर जो भी रैंक आता है वो मंडे में आपको रिन्यू होगा, इस रिफ्रेश होता है, फिर आपका रैंक आपको मिल जाएगा, मतलब आपका टाइटल आपको मिल जाएगा। तो वेट करना, पहले फ्लैग चेंज किया फिर नहीं हुआ तो मत बोलना कि नहीं हुआ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मंडे पे चेंज होता है, रिफ्रेश होता है। मुझे भी नहीं मिला था पहले, तो मैं सोच रहा था, फिर सब चेक किया यहाँ पर कि कब कब मिलता है, रिफ्रेश कब होता है, फिर वहाँ पर बोला मंडे पे रिफ्रेश होता है, आपको उसके बाद मिल जाएगा। तो यहाँ पर रेजेंस पे क्वेश्चन मार्क पे मैंने क्लिक किया तो दिखा रहा है यहाँ पर रैंकिंग्स, रेजेंट रैंकिंग आर बेस्ड ऑन 12 डिफरेंट कॉमर्स टैक्टिक्स। आपका गोल टायर के ऊपर चाहिए, ठीक है, गोल टायर या वी, गोल टायर वी या फिर गोल टायर के ऊपर, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कैलकुलेट एवरी मंडे एट 00 द टॉप 100 प्लस ऑफ ईच रीजन। हाँ, यहाँ पर बुलाया है कि आपका वो बात नहीं है, आप कोई भी सर्वर में खेलो वो कोई बात नहीं है, आपका सिर्फ रीजन दिखा जाएगा। तो क्लोज एनकाउंटर क्रीज मेड विथ इन 10 meters, रीजन बेस्ड, ग्लोबल टॉप प्लेयर्स, सर्वर बेस्ड, 10 ग्लोबल प्लेयर्स को यहाँ पर रेड कलर का मार्क होता है, टॉप 10 ग्लोबल प्लेयर्स ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है आप लोगों का कि ऐसे करके टाइटल ले लो कोई भी। तो गाइस, आज का वीडियो इतना तक ही, बाय, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना।